गुड आफ्टरनून ऑल। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के बाद हमने पैरामेट्रिक फॉर्म की थी, उसके बाद हमने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की थी, और लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बाद हमने किया था इनफाइनाइट सीरीज की का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन में हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई का, तो ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन दो बार कर रहे हैं वाई की, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन थ्री टाइम करेंगे डी स्क्वेयर वाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये होगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टू है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर थ्री है। ठीक है, इसीलिए nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगी? डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये हो जाएगी nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको ऑर्डर बोलते हैं, जो ये इस तरह से थ्री आता है या टू आता है, इसका वन हो गया, तो ये ऑर्डर होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को और किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वाई डैश और वाई वन से। अगर हम ए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसको वाई डैश भी लिख सकते हैं या फिर वाई वन भी लिख सकते हैं। अगर हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, उसको वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं या वाई टू भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रिपल डैश की, अगर हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश या वाई थ्री भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये आगे चलता रहता है, एन वाई एनथ या फिर वाई एन भी उसको लिखा जा सकता है, अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशिएशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम ये लिख रहे हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज़ हम क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की एक बार डिफरेंशिएशन करी, यहाँ पे ऑर्डर टू है, दैट इज़ हमने टू टाइम्स इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। y का जो आंसर आएगा डेरिवेटिव के बाद, उसकी हमने फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, तो वो हमारा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह से हमने डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की पहले एक बार डिफरेंशिएशन करनी है, फिर सेकेंड टाइम करनी है, फिर थर्ड टाइम करनी है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमें एग्जांपल दिया गया है, इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई। अब यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन करनी है, थर्ड ऑर्डर तक हमने डिफरेंशिएशन को लेके जाना है। सबसे पहले हमें उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेंगे, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन करेंगे। एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है टू एक्स, टू एक्स की डिफरेंशिएशन टू हो जाएगी क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है, और वन अगर कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर फाइंड करनी है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज़ हमने डिफरेंशिएशन करनी है इस वाले पार्ट की फिर से, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, तो टू एक्स प्लस टू की डिफरेंशिएशन हो जाएगी टू, क्योंकि टू का टू आ जाएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी वन, और इस वाले टू की डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो। ये हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू के इक्वल। अब हमने डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फाइंड करना है, दैट इज़ हमने फिर से इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देनी है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो, दैट इज हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कितना आ गया, जीरो। अब देखो हमने यही यहां तक ही फाइंड करना था, वाई ट्रिपल डैश था, दैट इज हमने करना था डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फाइंड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो हमने यहां पे अब जो हमें फाइंड करना है कंप्लीट, हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, हमने ये वैल्यू यहां पुट कर दी और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, टू और थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कि या तो हमारे पास इस तरह से फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, या फिर हमारे पास कुछ प्रूफ करने के लिए वैल्यूज दी होंगी। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन प्रूफ दैट टी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। हमने इस वाले फंक्शन को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी पड़ेगी, हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हमें एक बार डिफरेंशिएशन करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है। देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है हमें, हमने इसकी डिफरेंशिएशन करी, तो dy अपॉन dx हो गया, dy dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को लगा कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। उसके बाद अभी ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, हमें क्या चाहिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे इसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इधर, तो और इधर डिफरेंशिएशन का साइन लेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसकी फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स की होती है कॉस एक्स। तो हमारे पास आ गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स, और वाई की वैल्यू हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पुट करके दोनों वैल्यूज़ को देखना है कि क्या ये हमारा जीरो के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसकी वैल्यू थी और कॉस एक्स साइन एक्स इसकी वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस की हैं और यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये प्लस की है ये वैल्यू, ये माइनस की कट गई, ये कॉस एक्स भी माइनस का ये प्लस का कट गया, आंसर कितना आ गया जीरो आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे जीरो के इक्वल ही इसको फाइंड करना था, ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है दिस x की पावर 8 12 x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 x की पावर 3 माइनस 12, फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। हमने पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है सारी वैल्यू को, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी यही, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको जीरो कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है, दैट इज़ हमने ये जो आंसर आया है इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन का साइन लेंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आएगा, 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स की पावर 7 की करेंगे तो क्या आएगा 7 एक्स की पावर 6। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और इस वैल्यू को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके ये पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। हमने यही फाइंड करना था, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर फाइंड करना था, हमें यही क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, फाइंड एफ डैश जीरो एंड एफ डबल डैश पाई बाय टू। देखो एफ डैश जीरो का मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है हमने उसकी एक बार डिफरेंशिएशन करनी है, और एफ डबल डैश का मतलब क्या है कि हमने इसकी दो बार डिफरेंशिएशन करनी है। जीरो का मतलब ये है कि जो इसका एफ डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जीरो पुट करके देखना है कि क्या आंसर आएगा, और फिर डबल डैश करने के बाद लास्ट में हमने पाई बाय टू पुट करना है एक्स की जगह, फिर देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। हम क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू इंटू वी, यू इंटू वी किसके इक्वल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड फंक्शन की साइन एक्स की करेंगे, प्लस फिर साइन एक्स बाहर आएगा, हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो इधर यही बन जाएगा, यहाँ पे वाई दिया होता था पहले लेकिन इस बार एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो हमने यही लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ आ गया, और एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी टू एक्स हो जाएगी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन करी है इसलिए हम इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। अभी हमें एफ डबल डैश भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स। अब एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस टू बाहर ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देखो इन दोनों में अलग अलग यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी यू इंटू वी, यहाँ पे भी यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। वो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि हम यू को एज इट इज़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन वी की करते हैं, फिर प्लस वी को एज इट इज़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन यू की करते हैं। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ रखा, डिफरेंशिएशन करी कॉस एक्स की, फिर कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा, डिफरेंशिएशन करी एक्स स्क्वेयर की, प्लस टू एज इट इज़ था बाहर, हमने इसमें भी यही फॉर्मूला लगाया, एक्स को ऐसे ही रखा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है टू कॉस एक्स, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया प्लस टू। यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी कॉस एक्स होगी, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, सॉरी एक्स की डिफरेंशिएशन वन हो जाएगी और यहाँ ओनली साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वेयर है माइनस है, इसको आगे ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स बन जाएगा ये,
और इस 2x को इसके आगे ले आएंगे तो 2x cos x हो जाएगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x cos x हो गया, प्लस 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। अब हम cos x वाली टर्म एक साथ इकट्ठी कर लेंगे, sin x वाली एक साथ इकट्ठी कर लेंगे, ये भी sin x की टर्म है, ये भी sin x की है। हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और sin x को ले लेंगे कॉमन बाहर, प्लस 2x cos x, 2x cos x कितने हो गए, 4x cos x हो गए, इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब हमने क्या पुट करना है, डैश वाली वैल्यू में जीरो पुट करके देखना है, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे जीरो पुट कर दो। जब आप जीरो पुट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब f डबल डैश जो वाली जो वैल्यू आई है, f डबल डैश वाली वैल्यू ये वाली है, एफ डबल डैश वाली वैल्यू जो आई है आपकी, आप उसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाय टू पुट करोगे, तो पाई बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू साइन पाई बाय टू प्लस फोर पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू होता है जीरो, तो ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी सिर्फ इस फंक्शन की। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू, क्योंकि साइन पाई बाय टू किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, साइन 90 होता है वन के इक्वल, कॉस पाई बाय टू होता है जीरो के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स, देन प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे पहले आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।